Good morning. Today we will start a new topic in your math that is called coordinate geometry. Coordinate geometry के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाइन्थ में पढ़ा था. याद होगा कि नाइन्थ में जब आपको बताया गया था कि ये एक एक्स एक्सिस ये हो गया बच्चे ये माइनस एक्स ये वाई और ये माइनस वाई और ये ओरिजन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज सेकेंड That is third and that's the fourth. तो इसमें जब आपको बताया गया था तो इसमें जो है हम आपको बताए थे कि whenever we have to represent, when we have to say any point, we have to go to the two points that is called coordinate. क्या कहते हैं उसको हम कोई भी एक point है इसमें दो होते हैं x और y that is called their coordinate. ठीक है x को कहते हैं बच्चा एबिस्का एविस्का और वाई को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट तो और ये दोनों मिला के क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट तो आपने इसमें पढ़ा हुआ कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है इसमें दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं इसमें माइनस एक्स वाई होता है इसमें माइनस एक्स माइनस वाई होता है और इसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है. एक बात हमेशा दिमाग में सेट रखिए कि पहले हमेशा x क्लिक होगा और उसके बाद ही y होता है. इतना दिमाग में सेट रखिए कि हमेशा पहले x होगा और हमें और उसके बाद ही y होगा. तो अब उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम नाइन टेंथ में हम पढ़ेंगे तीन फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है. वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला सेकेंड इज द सेक्शन फॉर्मूला थर्ड इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हम तीनों इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे. आज हम पहला लेसन पढ़ा रहे हैं जिसमें हमारा क्या है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस कैसे होता है जैसे मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है. ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन वाई वन बी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू वाई टू. अब हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना था. हाउ यू कैन फाइंड इट ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर. ठीक है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. मैंने क्या लिखा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन दैट इज द ए बी. ठीक है अब इसमें कभी कभी दिया होता है ए बी सी तीन पॉइंट दिया हुआ होता है और आपको पूछता है कि कोलिनियर है. क्या है बच्चे कोलिनियर है या नहीं यू हैव टू प्रूव. आप क्या करेंगे पहले ए बी निकाल लेंगे इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू अगर ए सी हो गया तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर अगर नहीं हुआ तो नॉट ए कोलिनियर. इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा इसमें जो है बच्चे और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा पहले लेसन में दैट इज कॉल्ड 7.1 में. ठीक है एक ही फॉर्मूला दैट इज द एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. अब इसी पे हम डिफरेंट सवाल को ट्राई कर सकते हैं. मैंने अभी कहा कि ये कोलिनियर कब होगा जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा बच्चे ए सी होगा. कभी कभी क्या करेगा आपको वो सो तीन पॉइंट दे देगा ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री. आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस. दैट इज वेरी सिंपल. ये बहुत ही आसान है बच्चे. क्या करेंगे हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है यहाँ ए बी बी सी ए सी निकाल दिया. अगर तीनों बराबर है इफ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी तो कौन सा ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल क्योंकि तीनों साइड बराबर है. अगर इफ ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी दो साइड बराबर है तो ये कौन सा हो गया बच्चे आइसोसेलेस. अगर इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. तो यू विल एबल टू सी आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट तीन अलग अलग चीजों को ट्राइंगल में हो गया. इसी तरह से ए बी सी डी चार पॉइंट दे देगा. क्या दे देगा बच्चे चार पॉइंट ए बी सी डी. अब यहाँ चार पॉइंट दे दिया पूछेगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज.
सिंपल है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ए डी निकालोगे, फिर ए सी भी निकालोगे और बी डी भी निकालोगे, तो डायगोनल्स भी निकालोगे। क्या निकालोगे? इस चारों साइड और डायगोनल्स की लंबाई निकाल लोगे। निकालने के बाद क्या करोगे बच्चे, कि आप देखोगे कि अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल बराबर है, इट इज स्क्वायर। इफ अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रॉम्बस। मैंने क्या कहा, इफ ऑल फोर साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट्स बी ए स्क्वायर। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल देन इट्स बी ए रेक्टेंगल। और अगर चारों साइड बराबर है और डायगोनल नहीं बराबर है तो इट्स बी ए रॉम्बस, इट्स बी ए रॉम्बस। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो आपने लिखा है x2 - x1² + y2 - y1 का स्क्वायर, इससे आप जो है इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब राइट नाउ सवाल कैसे निकालेंगे, मैं उस पर मूव करने की कोशिश करूंगा। हाउ यू बी एबल टू फाइंड, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने ये कहा कि ट्राइंगल में तीन साइड दे देगा, तीन पॉइंट, पहले तीनों साइड आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिएगा, फिर आपको पूछेगा व्हाट टाइप। तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल तो आइसोसेलेस, दो साइड का स्क्वायर का प्लस तीसरे के स्क्वायर के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल, यही तीन पूछता है और आप आराम से बता सकते हैं। सिमिलरली इक्विलेटरल में मैंने बता दिया आपको, एंड दैट्स द वे। अब राइट नाउ वी हैव टू मूव ऑन सेकंड, इसी पे कैसे, हाउ यू विल एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें देखिए आपको 7.1 का फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 का 2, ए दिया हुआ है -5, 7, बी दिया हुआ है -1, 3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये देखिए, पहले ये क्या हो गया बच्चे, x1 ये हो गया, y1, x2 और y2 पता है, मैंने बताया था आपको। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, √(x2 - x1² + y2 - y1² तो क्या हो गया बच्चे, x2 इज -1 -5 तो -5² + 3 - 7² दैट इज द 4² + -4² अब आपको पता है 4² = 16 और -4² = 16 क्या हो गया √32 या 4√2 4√2 यूनिट, योर डिस्टेंस इज 4√2 यूनिट। सिमिलरली आप क्वेश्चन 1 बना सकते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0.00 and 36.15, ये भी निकाल सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइप इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए बी सी तीन दिया हुआ है। मैंने कहा था जब कोलिनियर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी फिर बी सी और ए सी तीनों निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया तो यस दैट इज अ कोलिनियर, दो का प्लस तीसरे के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछ रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, आपको चेक करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चे, जो मैंने आपको बताया था सेम एक क्लासरूम में चार फ्रेंड बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए ए बी सी डी दिया हुआ है तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ध्यान से देखिए इसमें ए का हो गया एक्स हो गया 3 और वाई हो गया 4 3 4, बी का हो गया बच्चे 6 और 7,
सी का हो गया 94, 94 और डी का हो गया बच्चे 61। ये चार कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, मैंने अभी बताया ही था। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो पहला निकालोगे मान लो ए बी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, किस तरह का ट्राइंगल ये बनाएगा और आपको बताना है इसमें, ठीक है बच्चे। सॉरी रेक्टेंगल किस टाइप का है ये, तो सबसे पहले तो आप ओके सबसे पहले आप ए बी निकालने जाओगे बच्चे। ए बी में क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एक्स टू। अब ए बी, ए बी में ये क्या हो गया बच्चे, ए बी में एक्स हो गया एक्स टू, ये दैट इज सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर का स्क्वायर। सिक्स माइनस थ्री और सेवन माइनस फोर इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, दैट इज द फिर से तीन दिया नौ अठारह, दैट इज द थ्री रूट टू यूनिट हो गया। फिर आपने बीसी निकाला, बीसी बीसी पे जाइए आप, ठीक है। एक छोटा सा चाहे तो आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं ऐसे, इसमें हो गया ए बी सी और बी, ए बी तो निकल गया, अब बी सी, तो बी सी, बी सी में क्या हो गया बच्चे, फिर से चलो यहाँ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक्स टू नाइन माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स दैट इज थ्री का स्क्वायर, फोर माइनस सेवन दैट इज माइनस थ्री का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है हमेशा प्लस में होता है, तो नाइन प्लस नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ही होगा, तो क्या हो गया बच्चे, फिर से रूट एटीन हो गया, दैट इज रूट एटीन को थ्री रूट टू। फिर बी सी हो गया, फिर आप सी डी निकालो, सी डी तो सी डी इक्वल टू फिर से हो गया बच्चे सी डी दैट इज सिक्स माइनस नाइन प्लस वन माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज द माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर फिर से नाइन, नाइन प्लस नाइन इक्वल टू क्या हो गया रूट एटीन दैट इज थ्री रूट टू, थ्री रूट टू थ्री रूट टू। और फिर ए डी, ए डी निकालो, ए डी में चलोगे बच्चे तो क्या हो गया फिर से ए डी तो सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वन माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज द क्या हो गया बच्चे थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया नाइन प्लस नाइन इक्वल्स टू रूट एटीन बराबर थ्री रूट टू यूनिट, ए डी हो गया। अब राइट नाउ यू हैव टू फाइंड ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे ध्यान से देखो, ए सी, ए सी तो हो गया बच्चे रूट अंडर नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सिक्स का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, नाइन माइनस थ्री सिक्स होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया बच्चे सिक्स, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, सिक्स का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर ए सी हो गया, फिर बी डी, बी डी इक्वल टू देखिए, बी डी इक्वल टू रूट अंडर बी डी, बी डी सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस सेवन का स्क्वायर, ये फिर से हो गया माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये फिर हो गया सिक्स। अब राइट नाउ यू बी एबल टू सी, देख सकते हैं कि चारों साइड बराबर है और डायगोनल्स बराबर है, तो लिखेंगे सिंस इट्स, सिंस इट्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर and diagonals are also equal, so it's a square, क्या हो गया बच्चे स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप लोग सेम वे में निकाल सकते हैं, आप लोग इसमें तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है कि इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी वही है, एक्स फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको, सिंपल तरीका है, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स को एक्स और वाई को जीरो रखोगे
वो एक पॉइंट हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकाल लोगे, और क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से बन जाए, एट भी, ठीक है ना। राइट नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर आपके बुक में एट दिया है बच्चे, एट देख सकते हो, उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस पी, पी दिया हुआ है आपको 2-3, क्यू दिया हुआ है आपको 10y, अब पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 10, पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है बच्चे 10 दिया हुआ है। अब ये 10 दिया हुआ है, आप क्या करोगे, पहले पी क्यू का क्या होता है, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर रहे हो, इसे रूट का लफड़ा खत्म, तो पी क्यू स्क्वायर, तो फिर क्या हो गया बच्चे एक्स टू 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चे ये 100 हो गया, 10-2 दैट इज 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 y स्क्वायर प्लस a प्लस b 6y प्लस 9 इक्वल टू 100, तो ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100, अब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, अब फिर y कॉमन हो गया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन हो गया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, अब आपके पास हो गया y-3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, y+9 इक्वल टू 0 तो y=-9, सो दैट वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज, आप आराम से निकाल सकते हैं, आपका होमवर्क यही रहेगा, यू हैव टू कम्प्लीट 7.1, जहां भी डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 7.1 योर होमवर्क इज देयर, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।